हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम कॉलिंग में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि HSSC की तरफ से TGT की पोस्ट निकाली जा रही है। तो इसको नोटिफिकेशन को आप कैसे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं वो देखते हैं, और आप फॉर्म कहाँ से फिल करेंगे मैं वो भी बता दूँगी। आप गूगल कीजिए HSSC एंड सर्च करिए, सबसे पहला ऑप्शन आपको जो मिलेगा ये HSSC.gov.in, आप इस पर जाइएगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये क्लिक हेयर करके एक ऑप्शन दिखेगा, इसमें आप नीचे आएंगे जब, तब ये एडवर्टाइजमेंट में ये सबसे ऊपर वाला एडवर्टाइजमेंट जो है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नोटिफिकेशन देखते हैं, नोटिफिकेशन क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये जो PDF है ये टोटल 51 पेजेस की है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। डेट ऑफ पब्लिकेशन, तो ये जो वैकेंसी आई है ये 27/9/2022 को आई है। जो फॉर्म ओपन होंगे, ऑनलाइन सबमिशन डेट जो है वो है 5/10/2022। क्लोजिंग ऑफ सबमिशन फॉर्म, मतलब फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट क्या होगी, वो होगी 26 अक्टूबर। और जो क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फीस, तो जो फीस की डिपॉजिट की लास्ट डेट होगी वो होगी 28 अक्टूबर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं, ये इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कहाँ पे क्या आपको चीज़ मिल जाएगी। अब इसमें देख लेते हैं टोटल पोस्ट कितनी है। तो दोस्तों, इसमें टोटल पोस्ट जो हैं वो 7,471 पोस्ट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसको आप अच्छे से पूरे अच्छे से थ्रू आउट हो लीजिएगा, देख लीजिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें बता दूँगी। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास HTET या STET होना चाहिए, आप CTET भी होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर्म फिल करने के लिए जो फ़ोटोज़ का है, तो फ़ोटो का जो एप्लीकेशन में आप जो फ़ोटो लगाएंगे उसके बारे में कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो उसको आप फॉलो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। जैसे कि 2x2 इंच की उसका होना चाहिए, कलर्ड फ़ोटो होने चाहिए, ये सब बातें हैं उनको आप देख लीजिएगा। पूरा डिटेल में आप इसको देख लीजिएगा। इसकी PDF में जो PDF है वो हम अपने एग्ज़ाम कॉलिंग के टेलीग्राम पे चैनल पे डाल देंगे। ये इन्होंने यहाँ पे इसका URL दिया हुआ है, जब ये लिंक अभी एक्टिव नहीं है, ये लिंक एक्टिव होगा 5 तारीख के बाद से, तो आप वहाँ इस URL के थ्रू फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें जो है एज क्या क्या है। एज मांगी है इन्होंने 18 से 42 साल के बीच में, जिनकी एज 18 से 42 साल के बीच में है वो ये फॉर्म डाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो TGT इंग्लिश के लिए टोटल जो पोस्ट है वो 1751 है, मतलब 1751 है। TGT होम साइंस के लिए 73 पोस्ट हैं। TGT म्यूज़िक के लिए 10 पोस्ट हैं। TGT फिज़िकल एजुकेशन के लिए 821 पोस्ट हैं। TGT आर्ट के लिए 1443 पोस्ट हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये यहाँ पर सब दिया हुआ है कि जनरल में कितनी पोस्ट हैं, SC में, ST में, सारी डिटेल दी हुई है, आप उस अकॉर्डिंग देख लीजिएगा और फिर फॉर्म भर लीजिएगा। TGT संस्कृत में टोटल पोस्ट है 714। TGT साइंस में है 1297। TGT उर्दू में है 21 पोस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आगे जो दिया हुआ है वो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या मांगा गया है। तो आप इतना समझ लीजिए कि आपके पास बैचलर BA हो, प्लस 50% मार्क्स हों उसमें, मिनिमम इन्होंने 50% मार्क्स मांगे हैं, BEd हो या DLED हो, आप पूरा क्राइटेरियाज देख सकते हैं, और साथ में CTET या
STET होना ज़रूरी है, ये मेन है, मस्ट है। फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, इसी तरह सभी पोस्ट में दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मिनिमम 50% मार्क्स मांगे गए हैं ग्रेजुएशन में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे इसमें दिया हुआ है इसी में आगे दिया है पोस्ट फॉर मेवाट कैडल, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें आप देख सकते हैं TGT हिंदी की हैं 106, TGT संस्कृत की हैं 212, TGT उर्दू की हैं 100, TGT साइंस की हैं 234, TGT मैथ की हैं 93, TGT म्यूज़िक की है 1, TGT फिज़िकल एजुकेशन की है 246, 246, TGT आर्ट में 260, TGT सोशल स्टडीज़ में 83, TGT होम साइंस में 6। तो इसमें ये पूरी डिटेल भी दी हुई है कि जनरल में कितनी है, SC में कितनी है, आप उसी EWS में कितनी है, उसी अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं आगे क्या है, बाकी आगे इसमें इन्हीं पोस्ट की एलिजिबिलिटी दी हुई है, जिसमें आपके पास सेम वही BA होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, साथ में आपके पास होना चाहिए BEd, और इसके साथ आपके पास STET, ये मेन क्वालिफिकेशन है जो आपके पास होने चाहिए। BEd आपका कोई भी तरीके का हो इसमें मान्य है, ठीक है फ्रेंड्स। ये पूरी इसकी एलिजिबिलिटीज़ दी हुई हैं, आप इनको चेक कर लीजिएगा, PDF में टेलीग्राम में डाल दूँगी। आगे इसमें सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताया गया है कि क्या है प्रोसेस, कितने परसेंट कहाँ से आएगा। तो जो रिटन एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो 95% होगा, और सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस जो होगा वो होगा 5%। तो आपका रिटन का वेटेज ज़्यादा है, तो आप इसमें रिटन में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। एक चीज़ मैं आपको इसमें बताना भूल गई, जो लोग PWS का सर्टिफिकेट लगाएंगे उन्हें अपने एग्ज़ाम फॉर्म के साथ में उसकी PDF लगानी होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए आपको मुझे जितना लगा सही मैंने आपको वो डिटेल्स दे दी हैं। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।